ये त्रिनल्ली गांव है। तमिलनाडु के नक्शे में इस गांव का जिक्र भी नहीं है। कई सुंदर गांव में से एक त्रिनल्ली गांव भी है। इस गांव में बिजली, टीवी, रेडियो, यहां तक कि अखबार की भी कोई सुविधा नहीं है। इस तरह की आवश्यकताओं की चीजें इस गांव के कुछ लोगों के घर में उपलब्ध है। आज के आधुनिक युग में भी इस गांव में मेहनत ही इनके लिए सब कुछ है, ऐसा यहाँ के लोग समझते हैं। यह है कांतीलाल, अपने पसीने को पानी की तरह बहाकर फसल उगाने वाला किसान। मेहनत करने वालों के लिए पढ़ाई की क्या आवश्यकता है, खासकर यहाँ की औरतों के लिए, ऐसा इस गांव के लोगों की सोच है। इनमें से कांतीलाल और इनकी बेटी प्रिया की सोच यहाँ के लोगों की सोच से अलग है। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर ऊंचाई तक पहुंचाना कांतीलाल का लक्ष्य है। ये हैं मणिराम, राम प्यारी के छोटे भाई। ये एक नंबर के कामचोर हैं, लेकिन कांतीलाल के सामने मेहनत करने का दिखावा करते हैं, क्योंकि बचपन से ही मणिराम के दिल में प्रिया के लिए प्यार है और राम प्यारी इनके प्यार को सपोर्ट करती है, और राम प्यारी के आशीर्वाद से ही वो अपने दिल में प्रिया के लिए प्यार पाल रहा है। और प्रिया का पढ़ाई करना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर पहुंचते ही ये सारे कपड़े इस्त्री कर देना, जो कोयला है उसमें हो जाएगा ना? हाँ माँ, हो जाएगा। ए राम प्यारी, तो काम में हाथ बटाने के लिए अपनी बेटी को साथ में लेकर आना चाहिए था ना? ऐसी किस्मत सिर्फ आप लोगों की है। रात में अगर उससे दही जमाने का काम भी बोलो ना, तो उसका बाप ये कहकर मना कर देता है कि ऐसा मुश्किल काम उसे मत दिया करो। बहुत अच्छा है। उसके पिताजी का कहना है कि अगर इस तरह के काम कराओगे तो उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। पढ़ाई करके क्या वो देश चलाने वाली है? राम प्यारी, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना ठीक नहीं होता है, और ना ही ज्यादा लाड़। ये दोनों काम ही मेरे घर में हो रहे हैं। मौसी, प्रिया को अच्छे से पढ़ाओ, वो गाँव का नाम रोशन करेगी, देख लेना। अब ये आई मुझे समझाने के लिए। ए, तुझे दो वक्त की रोटी मिल रही है ना, इसलिए ज्यादा दिमाग चल रहा है। चल यहाँ से। राम प्यारी, ये तेरी किस्मत है जो लड़की पैदा करने के बाद भी इतना कष्ट खुद उठा रही है। ये प्रिया की माँ राम प्यारी है। शादी करके विदा होने वाली लड़कियों के लिए पढ़ाई की क्या आवश्यकता है, ये ऐसी सोच रखने वाली औरत है। त्रिनल्ली में हर औरतों की तरह सोच रखने वाली औरतों में से ये भी ऐसी ही सोच रखती है। रसोई में माँ के साथ काम में हाथ बटाना, गाय को चारा डालना, शादी करके बच्चे पैदा करना और बच्चों की परवरिश करना, औरतों की बस इतनी ही जिम्मेदारी है। ये सब छोड़कर पढ़ाई करना राम प्यारी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये है प्रिया। मैं भी एक दिन पढ़ लिख कर इनकी तरह बड़ा बनूंगी और एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करूंगी। ये इस लक्ष्य से जी रही है। पढ़ाई के अलावा इसके अंदर कई और कुशलताएं हैं, जिसकी वजह से शिक्षक और सहपाठी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। सूरज की रोशनी और हेडमास्टर के सहयोग से ये अपने लक्ष्य पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रिया जिस स्कूल में पढ़ती है, उस स्कूल में सबसे ज्यादा समझदार है। इस स्कूल के हेडमास्टर को पूरी उम्मीद है कि ये लड़की पढ़ लिख कर एक दिन अपने स्कूल और गांव का नाम जरूर रोशन करेगी। ए मणिराम। हाँ जी जी। फसल में पानी छोड़ना है, ये तू भूल गया क्या? पानी ठीक से छोड़ना। सुनो भाई कांतीलाल, तुम टाउन गए थे लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? भूल गया भैया, बताओ क्या बात है? अरे कुछ नहीं, इस साल आलू की खेती बहुत अच्छी हुई है लेकिन जंगली सुअरों ने परेशान कर रखा है। अगर तुम मुझे बताते तो मैं भी तुम्हारे साथ शहर जाकर बारूद लेकर आता, बस इसीलिए पूछा। बारूद चाहिए था क्या? आपको चाहिए तो मेरे पास है, ले लेना। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें भी तो चाहिए होगा ना, मैं बाद में ले लूंगा। एक बात बताओ, तुम टाउन क्यों गए थे? वो मेरी प्रिया के लिए कुछ नोटबुक हैं और यह हिसाब करने वाली मशीन, यही सब लेने के लिए गया था भैया, इसीलिए आपको बताना भूल गया। जब देखो तुम्हें अपनी बेटी की पढ़ाई की चिंता लगी रहती है, ऐसे में तुम मेरी बात कहाँ से याद रखोगे? अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए इतने पैसे खर्च क्यों कर रहे हो? अच्छे से। अरे अरे, लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं है, ऐसी सोच रखने वाले गाँव में एक तुम हो जो अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। प्रिया ने तुम्हारे घर में जन्म लिया, ये तुम्हारी खुशनसीबी है। देखना एक दिन प्रिया पढ़ लिख कर
हमारे गांव का नाम रोशन जरूर करेगी। सुना ना आपने, प्रिया बहुत ही मेहनती है, पढ़ाई में उसका बहुत ध्यान है, पूरे गांव में उसके जैसी लड़की एक भी नहीं है। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से है भैया। ए जल्दी आना। हाँ जी। मुझे चाहे जितना कष्ट सहना पड़े मैं सहूंगा और प्रिया को पढ़ा लिखा कर इस गांव का नाम रोशन करूंगा, यही मेरा लक्ष्य है। अरे वाह कैलकुलेटर। पापा। क्या बेटी, तुम्हें यही चाहिए था ना? लेकिन मुझे इसकी जरूरत है, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, आपको कैसे पता चला? इस किताब में क्या लिखा है ये तो मैं नहीं पढ़ सकता बेटी, लेकिन तुमने अपने दिल में क्या लिख कर रखा है ये मैं महसूस कर सकता हूँ। थैंक यू पापा। अरे हाँ, इसके बाद अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं ना, वेलकम। हाँ हाँ वेलकम। ओ वेलकम नहीं पापा, वेलकम। मैंने भी वही कहा ना। मेरी प्यारी बच्ची। अच्छा मैं ये किताब अंदर जाकर रख दूँ क्या? नहीं पापा, मैं बाद में रख दूंगी, फिलहाल पढ़ लेती हूँ। ठीक है। माँ ये देखो, हिसाब करने वाला कैलकुलेटर। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ लड़की खाने के लिए रो रही है और तुम बाप बेटी फिजूल खर्ची में लगे हो। तुम्हें इसके अलावा कुछ आता है कि नहीं? ये सब मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। दीदी मैं चलता हूँ। अरे रुक ना, कॉफी पी के फिर चले जाना। नहीं दीदी, जमींदार के यहाँ बहुत काम पड़ा है, मैं चलता हूँ। ठीक है, आते हुए राशन की दुकान से पूछते हुए आना कि केरोसिन का तेल कब आने वाला है। अरे तुमने तैयारी पूरी की है क्या? हाँ। मैं फर्स्ट क्लास आऊंगा। हाँ। कितना भाव का? हाँ ये ठीक है। तो जाएंगे देखना। बता तुमने क्या तैयारी की? ये चित्रा देख के नहीं चल सकती क्या? हाँ नहीं दिखता, क्या करूँ? तो फिर अपनी आँख पर चश्मा लगा। जाने दो ना। ये चित्रा तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। क्या हो गया बेटी? कुछ नहीं सर। चलो बैठो। इसकी ईर्ष्या रखने का कारण ये भी है कि प्रिया इससे पढ़ने में तेज है और हमेशा इससे ज्यादा अंक लाती है। अरे प्रिया बेटा, तू यहाँ बैठी पढ़ाई कर रही है, जा मणि नाम को कॉफी देकर के आ। माँ कल मेरी परीक्षा है, मुझे कितनी पढ़ाई करनी है तुम्हें पता है ना? हाँ हाँ बहुत बड़ी परीक्षा है, तू पढ़ लिख करके क्या कलेक्टर बनने वाली है? माँ तुम खुद जाकर क्यों नहीं देकर आती, या फिर इसे क्यों नहीं बोलती? मैं कह देता हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, ये काम औरतों का है। और ये तू मुझे कह रही है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अभी तो तू खेल ही रहा है ना, जाना फिर। अब तू उस बच्चे से क्यों झगड़ रही है? तुझसे कह रही हूँ ना कि जा कॉफी देकर के आ, समझ में नहीं आता तुझे? मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पढ़ाई करनी है। तेरे पढ़ने लिखने से इस गांव का कुछ नहीं बदल जाएगा, और दसवीं तक ही तेरा ये सब नाटक है, उसके बाद मनीराम से तेरी शादी करवाऊंगी मैं, ये बात याद रखना। जो काम कुछ ज्यादा ही हो गया। सुनो उसे कॉफी लेकर जाने के लिए कहो ना तुम। इसकी दसवीं की आखिरी पेपर की परीक्षा है, तू तो स्कूल के गेट तक भी नहीं गई है, तो तुझे क्या पता पढ़ाई की अहमियत के बारे में? पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, एक बहुत पढ़ाई करने वाली बेटी और दूसरा उसको लाड़ करने वाला बाप, इस घर को तो भगवान ही बचाए। क्यों इतना चिल्ला रही है, तुझे जरा भी अकल नहीं है क्या? कॉफी ठंडा होने से पहले तू खुद जाकर अपने भाई को दिया। आज मैंने उसको मना किया था कि खेत पर मत जाना, फिर भी वो चला गया। उसके दिल में क्या है वो समझता है कि मुझे पता नहीं है? तुम और वो दोनों मिलकर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हो। तुम दोनों का ये नाटक अब मेरे सामने नहीं चलने वाला, समझ गई? मैं कह देता हूँ। मेरे और मेरे भाई की क्या इज्जत है यहाँ? दिन रात मेहनत करके तुम जो कुछ भी पैसा कमाते हो उसे अपनी बेटी के कलेक्टर बनाने में ही खर्च कर देते हो। और मैं कुछ भी कहूँ तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। ये लो इसे पकड़ो। दो। चलो चुप कराओ इसको, मेरा भाई है, उसे मैं ही कॉफी देकर आती हूँ। चुप हो जा बेटा, रो मत रो मत रो मत। ये बच्ची पढ़ रही है उसको परेशान मत करो। बड़े लोगों की तस्वीर रखने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, समझी? उसके लिए किस्मत भी बड़ी होनी चाहिए, कह देती हूँ। पैदा किया उसके लिए इसके दिल में कोई इज्जत ही नहीं है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी मेरे भाई का सहयोग चाहिए, ये बात कब इनकी समझ में आएगी? ऊपर से कह रहे हैं कि हम लोग नाटक कर रहे हैं, ऐसा क्या जान लिया कि उन्हें लगा कि हम नाटक कर रहे हैं? ये सब तो हमको पता है ना, तुमने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? प्रिया को भेज देती है यहाँ पे। हाँ हाँ वो तो बहुत बड़ी पढ़ाई कर रही है।
मैं तो सोच रहा था प्रिया आएगी, तुमने क्यों तकलीफ की दीदी? हाँ हाँ, वो तेरी बीवी बनने वाली है, तू इसी में खुश है। छोड़ो भी दीदी, शादी से पहले पढ़ने दो उसको, उसके बाद तो मेरे साथ ही जिंदगी गुजारनी है। अभी उसका जो भी मन है उसे करने दो, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है ना दीदी? तुम तो जानती हो ना, मैं उसको जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। क्या कर रहा है तू? तू उसके बारे में सपना देख रहा है ना, तेरा ये सपना कभी नहीं पूरा होने वाला। क्यों दीदी? उसको पढ़ा लिखा कर तेरे जीजा कलेक्टर बनाना चाहते हैं, बराबर वाले से शादी करना चाहते हैं। दूध उबल गया क्या? हाँ मालकिन। ए चित्रा, चित्रा क्या है माँ? क्या है माँ क्या? ये सोने का समय है कोई? कभी भी सुबह उठकर तुमने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। बस 10 मिनट माँ। पहले भी जब जगाने आई थी तुमने यही 10 मिनट कहा था। चलो उठो उठो। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो माँ? मुझे उठकर कब पढ़ाई करना है ये मुझे पता है। ये गुस्सा मुझे क्यों दिखा रही हो? ये गुस्सा पढ़ाई पर दिखाओ, और जो प्रिया तुमसे ज्यादा नंबर लेकर आती है उसको दिखाओ। पढ़ाई के अलावा और कौन सा काम है तुम्हारे पास? उस प्रिया से कभी भी एक नंबर ज्यादा ले आओ और जितना मन करे सो जाओ। कौन रोकने वाला है तुम्हें? पापा देखो ना पापा, जिस नाम से मुझे इतनी नफरत है बार बार उसका नाम लेके मुझे गुस्सा दिला रही हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इसकी पढ़ाई के मामले में टांग मत अड़ाया करो, जाकर अपना काम करो, जाओ। मैं तो इसकी भलाई के लिए कह रही थी, लेकिन तुम दोनों तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं इसकी दुश्मन हूँ। जो करना है करो। बेटी 10वीं की परीक्षा में तो सबसे अव्वल रहेगी, तेरा ये बाप है ना, हमेशा हमेशा तेरे साथ रहेगा। अब तो खुश है ना? चित्रा कह रही थी कि प्रिया हर साल ज्यादा मार्क्स लाती है, कल उसकी आखिरी परीक्षा है, वो परीक्षा नहीं देनी चाहिए, उसके लिए कोई रास्ता हो तो बताओ। वो परीक्षा ना दे, उसके लिए एक ही रास्ता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या रास्ता है बोलो। वो तो आपके पास ही है। ए, बात को घुमा के मत बोल। खिला पिला कर नशे से पागल बना कर रखा है ना आपने अपने भाई। क्या बोल रहा है मालिक? ये मैंने कह रहा हूँ, जायदाद के लिए आपने अपने भाई को धोखा दे दिया, ऐसा पूरा गांव बोल रहा है। ए, ऐसा जो कह रहा है, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसका गला काट दूंगा। हाँ ठीक है, तो क्या कहना चाहता था वो बोल। आप अपने भाई को आजाद करा दो। ए, अगर मैंने उस पागल जानवर को आजाद कर दिया तो वो मुझे छोड़कर उसके सामने जो भी आएगा उसको काट कर रख देगा। वो खूंखार जानवर है, वो तुम्हें पता नहीं? हमें तो वही चाहिए। केले की फसल में कल सुबह पानी छोड़ने जाएगा मेरा चीचा। उस वक्त आप अपने भाई को नशे में धुत कर दो। वो काट कर रख देगा उसको। अच्छे से जानता हूँ मैं। वो तो ठीक है, लेकिन कांतिलाल को मारने से हमें क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा आप खुद देख लीजिए। मैंने बहुत सोच समझ के आपके लिए ये योजना बनाई है। मेरे लिए? अपने लिए बोल। अगर वो लड़की पढ़ लिख कर ऊंचाई तक पहुंच गई तो तू उसके साए तक भी नहीं जा पाएगा। वो तुम्हें चाहिए, यही बात है ना? फिर भी तुम्हारी ये योजना मुझे पसंद आई। जी मालिक। मजदूरी लेने वाले की बेटी से
मजदूरी देने वाले की बेटी की हार हरगिज नहीं होनी चाहिए। नशा कर लो और चाहिए तो मांग लो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। वो बचना नहीं चाहिए, समझ गया ना? हे भगवान, सबकी रक्षा करना। राम प्यारी, अरे राम प्यारी, सुबह हो गई अब तक सो रही है। राम प्यारी, ए राम प्यारी, ए चलो उठो। जब नींद लगती है तभी उठाने आ जाते हो। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता क्या? बेटा प्रिया, बेटा प्रिया, बेटा प्रिया, हाँ। ये लो पहले ही से पी लो। अभी समय क्या हो रहा है पता है? क्यों, तुमने पढ़ाई तो ठीक से की है ना? आज परीक्षा है ना, अच्छे से लिखना, हाँ। और मेहनत करना। ठीक है पिताजी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कौन है रे तू? ए, पूछ रहा हूं ना, कौन है तू? मैं पूछे जा रहा हूं,
ये जवाब नहीं दे रहा है। ए, कौन है तू? ए, जवाब दे, कौन है? बोल। जानवर की तरह क्यों मार रहा है? जीजाजी को मार दिया। हे भगवान, क्या क्या बोल रहा है तू? हाँ दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान, अब मैं क्या करूँ? ए, तू महालक्ष्मी के पति से जल्दी से गाड़ी मांग कर ला, जा तुरंत जा। हे भगवान, मैं क्या करूँ? क्या नहीं आ रहा पिताजी? तू घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। अपने भाई बहन का ख्याल रखना, उनको अकेला छोड़ के कहीं मत जाना। आज मेरी आखिरी परीक्षा है, मुझे जाना होगा। मैं पढ़ लिख कर नाम रोशन करूँ, इसलिए पिताजी इतना कष्ट उठा रहे हैं, मुझे जाना ही होगा। क्या तू परीक्षा कर रही है? कौन सी बड़ी परीक्षा है? मतलब तेरे पिताजी की जान से बढ़कर तेरे लिए परीक्षा जरूरी है? ए प्यारे, उठ रे। जब जरूरत होती है तो जल्दी से जागते भी नहीं हो। उठो, ए आंखें खोलो, उठो जल्दी, उठो, ए आंखें खोलो। चाय वाले के यहाँ जाकर जल्दी बोल कि माँ ने पैसे मांगे हैं। जा जल्दी, जा जल्दी कर। माँ, उसे मत भेजो, जल्दी जा। रहने दो, मुझे परीक्षा देने जाना है। माँ, वो बच्चा इस छोटी बच्ची को कैसे संभालेगा? उससे ये सब कैसे होगा? तुम इधर ही रुको, मैं आती हूँ। माँ, समझने की कोशिश करो। माँ, मुझे परीक्षा देनी है। माँ, मैं बोल रही हूँ, तू अंदर जा, अंदर ही रह। परीक्षा का नाम लेकर घर से बाहर गई ना तो पैर काट दूंगी तेरे। सुनो, मेरे लिए परीक्षा बहुत जरूरी है, वरना पिताजी हार जाएंगे। मैं कह रही हूँ, तू अंदर जा, मैं आती हूँ अभी। अम्मा, माँ ने पैसे देने के लिए कहा है। किस लिए? पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए माँ ने मुझे भेजा है। जल्दी से दे। अभी तक दुकान में दूध नहीं आया और पैसा मांगने के लिए पहले आ गए। क्या बोले इसको? ये ले पकड़। हाँ। मनीरा, तू भी ऊपर आ जा। वो फसल में पानी नहीं छोड़ा, पानी नहीं छोड़ा, फसल खराब हो जाएगी। मैं कह रही हूँ, तू भी आ जा। आप जा। पैसे दे, जल्दी आप पैसे दे। प्रिया को कहना कि परीक्षा देने जाने की जरूरत नहीं है, वो घर को संभालेगी। बच्ची जब जाग जाएगी तो उसे दूध पिलाने के लिए बोलना। घर में जो चारा रखा है वो गाय को डाल देगी। दूध निकाल कर चाय वाले की दुकान पर पहुँचा देना। हे देवी माँ, मेरे पिताजी को बचा लेना। मैं पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन करूँ, यही पिताजी चाहते हैं। और आज मेरी परीक्षा का आखिरी पेपर है। परीक्षा हॉल में जो टीचर आई है वो दूसरे स्कूल की है। अगर लेट हो गई तो वो मुझे अंदर नहीं आने देगी। यहाँ का सारा काम निपटा कर टाइम पर स्कूल पहुँचने में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो माँ। Yeah.
7 बज गए, 10 बजे तक मुझे परीक्षा के लिए स्कूल पहुंचना है। 1.5 घंटे के अंदर मुझे सब कुछ निपटाना होगा। डोसा बनाकर देना है और मुन्नी का ख्याल रखना है। माँ ने मुझसे कहा है, आज एक दिन भूखे रहोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हें। तू घर पर रहकर मुन्नी को देखना, मुझे परीक्षा लिखने जाना है, तुम्हें पता है ना? ए, मर्द लोग थोड़े ना बच्चे को संभालते हैं। तुम संभालो बच्चे को, मुझे भूख लगी है, डोसा बनाकर दो। हाँ हाँ, मैं बनाकर दूंगी और तू खाएगा। भूख लगी है तो खुद बना ले। ए, तू मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? अगर नहीं मानी तो माँ को बता दूंगा। चिल्ला कर बच्ची को भी जगा दिया, उसे भूख लगी होगी। अब दूध गर्म करके उसे देना होगा, तो जाओ उसे संभाल। मैं बोल रहा हूँ, देखना गाय ने लात मारकर तुम्हें नहीं गिराया तो मेरा नाम प्यारे नहीं, देख लेना। इसका नाम प्यारे किसने रखा है? जानवरों की तरह बर्ताव करता है। देखो चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूँ ना। बाल्टी पानी भरने में इतना टाइम लग रहा है, तो माँ हर रोज कितनी तकलीफ उठाती है। ओ बेचारी माँ, आ कितना गर्म है ये, ओ बहुत गर्म है। मुझे देर हो रही है, इधर आ इधर आ, चल चल जा 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 जा। बस 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 हो गया, बस आ जा। सुन, आज मैं तुम्हारा दूध निकालने वाली हूँ। माँ पिताजी को लेकर अस्पताल गई है ना? तुम मेरा साथ देना, हाँ? तू बहुत प्यारी है, हाँ? साथ नहीं देती, ऐसा मत समझना। मुझे पढ़ लिख कर है ना अच्छा नाम कमाना है, इसीलिए तुम्हारे पास नहीं आ पाती। नाराज मत हो लक्ष्मी, थोड़ा सा दूध दे दो बच्ची के लिए। ए, रो मत, दीदी अभी दूध निकाल कर लाएगी तो पेट भर कर पी लेना। ए, बच्ची को बुला मत, कह देती हूँ मैं आऊंगी ना तो एक मारूंगी तुझे। हे भगवान, ये लड़का मुझे तंग क्यों कर रहा है? Thank you.
आधुनिक भारत की प्रारंभिक अवधि में भारत में कंपनी के नियम की वृद्धि देखी गई थी। तुम्हें चूल्हा भी जलाना नहीं आता है? ए चुप रे। आधुनिक भारत की प्रारंभिक अवधि में भारत में कंपनी के नियम की वृद्धि देखी गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कंपनी नियम को कंपनी राज के रूप में भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन था। ए, तू क्या उलझल बक रही है? वैसे आज तुम परीक्षा देने नहीं जा रही हो। आज तुझे खाना नहीं मिलने वाला है। माना जाता है प्लासी की लड़ाई के अंत के बाद 1757 में सब शुरू। ये लो देख लो इसे, इसने हक दिया। तो तू क्या कर रहा है? उसे बाहर ले जा। मैं यहाँ काम कर रही हूँ ना, वो तेरी भी बहन है। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, ये सब औरतों का काम है। ए, क्या बार बार बोले जा रहा है? औरतों का काम है, औरतों का काम है। तू बड़ा मर्द हो गया है। हाँ मैं मर्द हूँ, ले जाओ इसे। आज तुझे ना खाना ही नहीं मिलने वाला है, देख लेना। तू बहुत बड़ा मर्द है ना, तो बहुत बड़ा मर्द है। तुम्हारे लिए दूध गर्म करके रखा है, अब भी दूध देती हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ दे रही हो कि नहीं? नहीं दूंगी, कहा ना। ओह ये तो गरम है। ये मुझे खाने के लिए नहीं देगी, ये दूध मुन्नी को पिलाकर स्कूल जाएगी ना। मैं भी देखता हूँ कैसे जाएगी। रोना नहीं। ए तू क्या कर रही है? बच्ची को पिलाएगी और मैं यहाँ रहूंगा, तो बच्ची को मुझे देकर तो स्कूल जाएगी। मैं यहाँ रहूंगा, मैं नहीं देखता हूँ तो कैसे स्कूल जाएगी? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? बच्ची को किसे देकर स्कूल जाऊँ? और ये लड़का है, समझ ही नहीं रहा है, मुझे और परेशान कर रहा है। हे भगवान, मुझे कितनी देर हो रही है, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? एक मिनट, यही रुकना, ये लो पकड़ो। चलो चलो चलो। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई। प्रिया, वो माँ पिताजी को लेकर हॉस्पिटल गई है। मुझे परीक्षा लिखने जाना है, प्यारे भी कहीं भाग गया है, घर में कोई नहीं है। दीदी थोड़ी देर बच्ची को संभाल लोगी? ये देखो इतना सारा काम पड़ा है, ये सारे कपड़े धोने के बाद सुखाकर इस्त्री करके जमींदार के यहाँ देने जाना है। दीदी ये मेरा आखिरी पेपर है, अगर आज मैंने परीक्षा नहीं दी तो अब तक जो मेहनत की है उस पर पानी फिर जाएगा। मैं कैसे क्या करूँ तुम ही बताओ। आप सिर्फ 2 घंटे के लिए बच्ची को संभाल दो, मैं परीक्षा लिखकर तुरंत आ जाऊंगी। ओहो, मैंने ये काम पूरा नहीं किया तो मेरी माँ जान से मार देगी। प्लीज दीदी। ठीक है, मुझे माँ को बताना होगा। अले ले 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 ले, आजा 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 आजा, दीदी को पहचानती हो? जल्दी चलो दीदी। आज तुम्हारी परीक्षा है, ऐसा माँ को मत बोलना। माँ को पढ़ाई से बहुत चिढ़ है, औरतों की पढ़ाई से वो बहुत चिढ़ती हैं। उन्हें नहीं पता आज के जमाने में पढ़ाई बहुत जरूरी है। प्रिया, मेरे पिता अगर जिंदा होते वो मुझे पढ़ाते या नहीं पढ़ाते ये मैं नहीं जानती। तुम खुश नसीब हो प्रिया, तुम्हारे पिताजी हैं। जल्दी चलो दीदी।
चलो चलो। ए रुक रुक, माँ पूछेगी तो कहना है तुम अपने पिताजी को देखने अस्पताल जा रही हो, परीक्षा के बारे में कहोगी तो मना कर देंगी, ठीक है ना? दीदी माँ, प्रिया के पिताजी को इसकी माँ अस्पताल लेके गई है, इसको भी खाना लेके जाना है वहाँ, तो क्या मैं कुछ देर के लिए बच्ची को संभाल लूँ माँ? ए, क्या हो गया इसके पिताजी को? किसी ने उनको जख्मी कर दिया माँ। अच्छा, तो कुछ परीक्षा लिख रही थी ना, वो खत्म हो गई क्या? आज आखिरी पेपर लिखूंगी तो परीक्षा खत्म। लेकिन तू तो अस्पताल जाने की बात कर रही थी। परीक्षा लिखने के बाद हॉस्पिटल जा। नहीं नहीं नहीं। ए, क्या बकवास कर रही हो? हाँ, क्या रे, किसको बेवकूफ बनाने आई है? ये परीक्षा लिखे या ना लिखे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ए, जो कपड़ा तूने भिगोया है वो सूखेगा तभी हमारा पेट भरेगा। बच्ची को इसको दे दे और तू जा यहाँ से, सुनाई नहीं दे रहा है। दीदी, तुझे जरा भी अकल नहीं है क्या? क्या किया तूने? मैंने बताने से मना किया था ना, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं साथ देना चाहती थी। अब जाओ। शादी में गई है। हे भगवान, क्या चाहिए? आओ अंदर आओ। ए, किधर भाग रही है? अरे सुन ना, भाग गई। भाग गई।
रमणी दीदी, रमणी दीदी, दीदी दीदी, पिताजी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। माँ उनको लेकर हॉस्पिटल गई है। आज मेरी आखिरी परीक्षा है। परीक्षा देकर मैं तुरंत आ जाऊंगी। थोड़ी देर के लिए बच्ची को संभालूंगी दीदी। मेरे पास कोई और दूसरा काम नहीं है क्या? अभी डांट डांट कर बच्चों को शांत किया है। ये बच्ची कब रोएगी, कब चुप रहेगी? और तू बच्ची को संभालने के लिए कह रही है? तू जा यहाँ से, अपना काम कर। अरे उसको देख, वो बच्ची लेकर कहाँ जा रही है? ए, परीक्षा के लिए देर हो रही है, तू कहाँ जा रही है? बच्ची को संभालने के लिए किसी को ढूंढ रही हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा। किसी को ढूंढ रही है? पिताजी को लेकर माँ हॉस्पिटल गई है। मेरा भाई भी बहाना करके भाग गया है। इसे संभालने वाला कोई नहीं है। देर हो रही है यार, अब तू क्या करेगी? इसे किसी के पास छोड़कर आना होगा। तुम लोग जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है ठीक है, तू जल्दी आ जाना। ठीक है, आती हूँ। सही है, पी लो, बहुत भूख लगी होगी ना? पी लो, थोड़ा सही है, बस पी लो। हाँ, तुम अच्छी बच्ची हो ना, पी लो। हाँ, थोड़ा सा और। परीक्षा देने जाना है, देर हो रही है, तुम जल्दी से सो जाओ। ओ, दीदी को परीक्षा देने जाना है ना, जल्दी सो जाओ, दीदी परीक्षा लिखकर जल्दी आ जाएगी। एक चाय देना दीदी, कमाल है, यहाँ आओ तो चाय ही नहीं मिलती है। दादी, एक चाय बनाने के लिए दूध नहीं क्या आया दादी है। एक चाय भी नहीं पिला सकती? हाँ, अरे चाय बनाने के लिए दूध तो चाहिए ना। तुम्हारी दीदी को आज टाइम हो गया है, अब तक दूध लेकर नहीं आई है। आखिर कब तक मैं दूध के लिए इंतजार करती बैठूंगी?
मुझसे पूछे बिना वो उसको पैसे भी उठाकर दे दिए। हाँ, क्या समझ के रखा है तुम लोगों ने? उसके पति को क्या हुआ क्या नहीं, इसे मुझे क्या करना है? हाँ, मुझे बस टाइम से दूध चाहिए। अच्छा हुआ सो गई। से सोना, दीदी जल्दी आ जाएगी। हाँ, हे देवी माँ, मैं जल्दी से परीक्षा लिखकर आ जाऊंगी, तब तक बच्चे का ख्याल रखना, रखोगी ना माँ? से पढ़ाई की है ना? प्रिया स्कूल क्यों नहीं आई? मुझे नहीं पता। मीना, तुझे पता है क्या? लगता है बच्ची को संभालने के लिए अब तक उसको कोई नहीं मिला होगा। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, बैठो। कहीं भी जा, मुझे अभी का अभी दूध चाहिए। चाची, मैंने कहा ना, माँ यहाँ पर नहीं है, मुझे दूध निकालना नहीं आता। आहाहा, तुझे दूध निकालना नहीं आता है? फिर क्यों तेरी माँ ने पैसे के लिए अपने बेटे को भेजा था? और एक बेवकूफ वो है जो बिना पूछे पैसे निकाल कर दे दिया। अब तक दुकान पे दूध आया नहीं। कितने लोग बिना चाय पिए वापस जा रहे हैं तुम्हें पता है क्या? एक तो मुझे दूध चाहिए, नहीं तो मैंने जो पैसा दिया है वो पैसा वापस चाहिए। उन दोनों में से मुझे एक वापस चाहिए। सच में मुझे दूध निकालना नहीं आता है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, आज मेरी परीक्षा का आखिरी पेपर है, मुझे जाने दो। रुक रे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तू स्कूल जाने की बात कर रही है? हाँ, मुझे तुम लोगों ने पागल समझ रखा है। हाँ, जरा धीरे बात करिए, बच्ची जाग जाएगी। अरे बाप रे, तू छोटी बच्ची को अंदर बंद करके स्कूल जाने की कोशिश कर रही है? हाँ, बहुत जालिम लड़की है रे तू। हाँ, कुछ भी हो मुझे दूध चाहिए। तुम्हें दूध निकालना नहीं आता ना? मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिखाती हूँ दूध निकालना। आपको आता है तो आप खुद ही जाकर निकाल लो। मैं जो बोल रही हूँ उसका उल्टा जवाब दे रही है, एक चाटा मारूंगी ना। चल मेरे साथ, चल। यहाँ की स्टूडेंट कहाँ गई? टीचर, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। एक्सक्यूज मी टीचर, मुझे मीना से कुछ जरूरी बात करनी है। पूछ मीना, प्रिया कहाँ है? सर, अचानक उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, माँ उनको लेकर हॉस्पिटल गई है, घर में बच्ची को संभालने के लिए कोई नहीं है, तो कह रही थी वो बच्ची को किसी को देकर आएगी। टीचर, एग्जाम्स 10 मिनट के बाद शुरू करेंगी क्या? सर, सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है टीचर, वो अब तक आई नहीं है। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, देखती हूँ। सर, करेक्ट 10 बजे एग्जाम शुरू करना है। मुझे पता है टीचर, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर,
एक स्टूडेंट के लिए इतनी देर से एग्जाम शुरू करवाना ठीक होगा? अगर कल कोई प्रॉब्लम होगी तो जवाब तो मुझे ही देना होगा। 100 में से 100 मार्क्स लाने वाली स्टूडेंट है वो, आज एग्जाम से पता नहीं वो कहाँ रह गई। मेरे लिए 10 मिनट रुक जाइए ना प्लीज। प्लीज मैडम, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन प्लीज टीचर, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, लेकिन सिर्फ 15 मिनट, 15 मिनट। आपका थैंक्स टीचर। पास कल तक का ही समय है और तू अब मुहूर्त देकर दूध निकालेगी क्या? अरे ऐसी दूध निकालते हैं क्या? ये तो तुम्हारे जान पहचान की गाय है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी और के गाय का दूध निकाल रही है। चाची, मैंने कहा ना, माँ के अलावा इसके नजदीक कोई भी जाता है तो ये उसे मारती है। तू स्कूल में पढ़ती है ना, और तुम्हें दूध निकालना नहीं आता है? अच्छा है, तू ये जो सब नौटंकी दिखा रही है ना, वो सब मैं समझ रही हूँ। सीधी तरह से दूध निकाल कर दे और फिर तू कहीं भी जा। क्या देख रही है, चल जल्दी कर। साइलेंस। अब तो टाइम भी हो गया। हाँ, अरे रे, तुम तो कह रही थी नहीं आता, फिर ये दूध कैसे निकाला? मुझे सब आता है, जो नाचता है उसके साथ काम निकालना, और जो गाता है उसके साथ गाकर काम निकालना। थू। Oh!
got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. परीक्षा देने की जल्दबाजी में चूल्हा जलाकर बुझाना ही भूल गई थी। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। दीदी आ गई है ना? डर मत, दीदी को माफ कर दे। रो मत, रो मत, अभी माँ आ जाएगी। रो मत, रो मत, दीदी को माफ कर दे। रो मत, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। क्या दीदी, दूध मिला क्या? मणिराम, तूने जैसे कहा था वैसे मैंने उसका गला पकड़ लिया। दूध निकालने के लिए बहुत नाटक कर रही थी, मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैंने भी थू सामने खड़े रहकर उससे दूध निकलवाया। आगे तू जाने। हाँ ठीक है दीदी। मैं भी देखता हूँ वो कैसे परीक्षा देती है। क्या स्कूल जा रही है क्या? हाँ तो वहाँ तेरा बाप मौत से लड़ रहा है। एक चुप हो जाओ, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा। वो सब देखा जाएगा, लेकिन आज तू स्कूल नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी, ये कहने वाला तू कौन है? तेरा होने वाला पति, तुझसे शादी करने वाला हूँ। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जानती है तेरे को मैं कितने दिनों से प्यार करता हूँ। ये सब नहीं जानना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तेरे से शादी करके ही रहूंगा। एक बार कहा ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। किसी को देखकर मन में प्यार आता है या नफरत होती है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे मन में दोनों ही नहीं है। गंदगी को साफ किया जा सकता है, उसके साथ जीवन गुजार सकते हैं। क्या क्या बोली? मैं तेरे को पागल दिखता हूँ, पागल दिखता हूँ मैं तुझे। तेरे को बचपन से अपनी गोद में पाला है और तुम मुझे मार रहे हो? अपना गुस्सा इस बच्चे पर क्यों उतार रहे हो? मैं तुम जैसे इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ? मामा छोड़ो, मामा इसे कुछ भी किया ना तो मेरी लाश देखोगे। छोड़ो उसे, छोड़ो। प्यारे तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हो ना? तू मेरी बहन को हाथ लगाता है, तू मेरे घर के अंदर आ, बताता हूँ तुझे। मेरे घर पर मत आओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। टीचर
चुप हो जा। ओ, अभी माँ आ जाएगी। हाँ अभी माँ आ जाएगी, चुप हो जा। प्रिया हाँ, तुम बच्ची को मुझे दे दो, तुम स्कूल चली जाओ। क्या हुआ, परीक्षा देने जा रही हो? मत जाओ, आज सिर्फ तुम्हारे लिए छुट्टी है, घर जाओ। बात नहीं मानोगी क्या? छोड़ो मुझे। तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, आओ। इस साल मेरी बेटी फर्स्ट आएगी। अगर तुम परीक्षा देने गई ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तू जा यहां से, देखता हूं तेरे को कौन रोकता है। ए, पकड़ो उसे। तू जा, अपनी परीक्षा लिख। उसके शरीर पे हाथ डालने वाले को मैं छोड़ूंगा क्या? तूने मेरी जान पे हाथ डाला है, छोड़ूंगा नहीं। उस लड़की को पकड़ो। छोड़ो, भाग यहाँ से। Hey!
मेरी जान पे हाथ डालेगा। आती है, इस बात का घमंड है ना तुझे? देखना इस साल मैं परीक्षा में पास होके तुझे कैसे हराती हूँ, ये मेरा चैलेंज है। ये प्रिया कहाँ रह गई होगी? अब अगर वो आ भी गए तो एग्जाम्स कैसे लिख पाएगी? पता नहीं। Thank you.
लगता है शायद वो अब नहीं आएगी। जो होना होगा वही होगा। अरे आ गई, जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ बेटा, बहुत देर हो गई है। प्रिया क्या हो गया बेटा, क्या हो गया तुम्हें? संभाल संभाल कर बेटा, संभाल कर आ, चलो देर क्यों की बेटा, चलो जल्दी चलो, समय बहुत कम है, चलो बेटा आराम से। पिताजी को लेकर अच्छा अस्पताल गई है। चलो टीचर। प्रिया आ गई मनहूस लड़की, छे अब कोई चांस ही नहीं है सर। पहले ही मैंने 10 मिनट लेट एग्जाम शुरू किया है, मैं इसे कैसे अलाउ कर सकती हूँ? समय पे ना पहुँचने के लिए कई परेशानियाँ हैं, परेशानियों से गुजर कर किसी तरह ये यहाँ तक पहुँच गई है, प्लीज इसको अलाउ कीजिए। नहीं होगा सर। इस पर जरा रहम कीजिए टीचर, प्लीज टीचर। सॉरी सर, मैं इसे अलाउ नहीं कर सकती। टीचर प्लीज मुझे परीक्षा लेके क्या कर रही हो तुम? मेरे पिताजी ने मुझे बहुत तकलीफ से पढ़ाया है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, मुझ पर दया कीजिए। ठीक है ठीक है, चलो उठो टीचर, चलो उठो ना प्लीज टीचर। जाओ वहाँ जाकर बैठो। बेटी लो अच्छे से लिखना, जाओ। थैंक्स टीचर। थैंक यू टीचर। इसने तो मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, इसकी तो। ए मुन्नी इसे फोड़ कर खेलते हैं। मालिक निशाना चूक गया। निशाना नहीं चूका, बंदूक का निशाना अलग होता है और मेरे मन का निशाना अलग है। उस मणिराम ने मेरी बेइज्जती की है, छोड़ूंगा नहीं। वो लड़की पूरी तरह से परीक्षा नहीं लिखनी चाहिए। जो खबर हमें मिली है वो खबर हमारे लिए अच्छी है। अब तुम जल्द से जल्द स्कूल जाओ और ये खबर बता दो। ठीक है मालिक। तुमसे कह रही हूँ, चलो उठो यहाँ से बाहर जाओ, सुनाई नहीं दे रहा? ए उठो बाहर निकलो। पिछले एग्जाम में भी तुमने यही सब किया था, ये पता है मुझे। यहाँ के टीचर तुम्हारे पिताजी के डर से कुछ नहीं कर पाए थे। शायद तुम्हें नहीं पता ये एग्जाम पहले के जैसा नहीं है, ये पब्लिक एग्जाम है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अब अगले 3 साल तक तुम एग्जाम नहीं लिख सकती, समझ रही हो ना? मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता हूं।
ए, क्या हो गया? परीक्षा खत्म होने दो, मैं बता दूंगा, तुम अभी जाओ। मैं एक बार बता देता हूँ ना। मैंने कहा ना उसको बता दूंगा, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। आप बता दोगे ना? हाँ बता दूंगा, तुम जाओ। जल्दी से आ जाओ। नमस्ते सर। ए, जल्दी जल्दी ए, कर जल्दी जल्दी। थैंक यू टीचर। इट्स ओके। प्रिया सर, कैसा लिखा पेपर? अच्छा लिखा है सर, अगर आप नहीं होते तो मैं ये परीक्षा नहीं लिख पाती। ठीक है ठीक है, तुम जल्दी घर पहुंचो। क्या हुआ है सर? प्रिया तुम बच्ची को अकेले छोड़ के आई हो ना, इसलिए कह रहा हूं। परिवार के देर कैसे? वो क्या है ना दीदी? क्या नहीं दीदी विदी? चल डाल इसमें। क्या हुआ, बड़ी पढ़ाई कर रही थी ना, अब क्या हुआ? जो पिता तुम्हें पढ़ा रहा था अब वो नहीं रहा, आ गए ना बीच रास्ते में तुम लोग। अब मुझे बताओ तुम लोग क्या करोगे? हा?
अरे अभी तो इस बच्ची ने अपने पिता को खोया है, क्यों अपनी बातों से इसके दिल को ठेस पहुंचा रही है? ए बुढ़ी, मैं कहां इसके दिल को ठेस पहुंचा रही हूं? मैं तो सच बता रही हूं, पत्थर को जलाकर कोयला नहीं बनता, तो बाल को जलाकर बनेगा क्या? अब तुम्हारी माँ अकेले कितना बोझ उठाएगी? तुम अच्छे मुकाम पर पहुँच सको इसलिए तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत की थी। अब तुम्हें भी बिल्कुल वैसी ही मेहनत करनी पड़ेगी। पैर को जमीन पर रख, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। अब जा, ए शाम को समय पर दूध लेकर आ जाना। एक चाय और इडली दे दो। हाँ, लाओ। ये ले, इडली चाहिए क्या? हाँ। क्या हो गया, रो क्यों रही है? अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, प्रिया, प्रिया क्या हो गया, बोल क्यों रो रही है? बता दिया है नहीं? ए प्रिया, अरे क्या है? इतना पूछ रहा हूँ फिर भी जवाब नहीं देती। भैया पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने 2 महीने से छिपा कर रखा हुआ है, अब और नहीं होगा। अच्छा, मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे वो सारे खत्म हो गए क्या? भैया बात को समझने की कोशिश कीजिए, रिपोर्ट में कंफर्म लिखा हुआ कि खून हुआ है, गले की हड्डी को पूरी तरह से तोड़कर उसे मारा गया है, रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है। खून के इरादे से उसे नहीं मारा गया, दरअसल नशा ज्यादा हो गया था और अमावस्या की रात थी तो ठीक से दिखाई नहीं दिया। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ये बात बाहर आ गई तो किसान यूनियन के लोग मोर्चा निकालेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। मुसीबत ना आए इसलिए तुम्हें पैसे दिए हैं। मैंने कब मना किया है, लेकिन मैं आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप? अगर मैं चाहूँ तो कम पैसे में तुमसे बड़े पुलिस ऑफिसर को खरीद सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुम हमारी जात के हो, तुम खाओगे तो मुझे खुशी होगी, तुम समझ गए ना? भैया कानून से छिपाएंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन कबूल करेंगे तो बच सकते हैं। तुम्हें मुजरिम ही चाहिए ना, तुम उसे जरूर अरेस्ट करोगे। इसे भी उठा कर रखो। ए, इसे क्यों फाड़ रहे हो? ये पढ़ने की किताब है, छोड़ो इसे। हो गई ना, छोड़ छोड़, मुझे खेलने दे। ए, अब तू उससे क्यों झगड़ा कर रही है? माँ देखो ना, ये पढ़ने की किताब को फाड़ कर खेल रहा है। क्यों नहीं खेलेगा वो? तुम्हें जितना पढ़ना था उतना तुम पढ़ चुकी हो, तुम्हें पता नहीं है क्या? जो पहले तुम्हें पढ़ाते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अब तुम आगे पढ़ने की उम्मीद भी मत करना। ये क्या बोल रही हो माँ? हम हर रोज कुआं खोद कर पानी पीते हैं, अब कल से तुम भी काम पर जाओगी। सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की बात है, 2 महीने पूरा होते ही मनी राम के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। मैंने शादी के लिए मुहूर्त भी निकाल लिया है, मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। बहुत पढ़ाई कर चुकी हो तुम, अब बहुत हुआ। ये लो इसको भी लेकर के जाओ, सारा सामान रख लिया है ना? ये पकड़ो, ये भी पकड़ो। मैं आता हूँ दीदी। तू? कांति लाल ने कितने प्यार से पाला था इस बच्ची को, आज देखो कैसे काम कर रही है। ये भी कोई इंसान है क्या, इस बच्ची से इतना काम करवा रहा है? ए मणिराम, जो काम तुम्हें करना चाहिए वो इससे क्यों करवा रहे हो? काम ही तो कर रही है ना। ए, ये पढ़ने वाली लड़की है, ये आगे नहीं पढ़ेगी क्या? इसका बाप इसकी कितनी देखभाल करता था, और देख तूने इसकी क्या हालत कर दी है। ये हमारे घर की लड़की है, इसकी देखभाल कैसे करनी है हमको पता है, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। हे, कितनी अच्छी लड़की है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, इतना मुश्किल काम करवा रहे हो। इस गांव में कौन लड़की इतनी पढ़ी लिखी है बताओ ना। तुम्हारे जैसे लोग पढ़ाई की अहमियत को नहीं समझते, वही लड़कियों से इस तरह काम करवाते हैं। बस करो बस करो, जो बोलना था बोल दिया, आप जाओ यहाँ से। देखो जिस चीज को जहाँ होना चाहिए उस चीज को वहीं पे रखना चाहिए, समझे ना? क्यों, तुझे बहुत तकलीफ हो रही है? अगर हो रही है तो बोझ तू उठा ले। ए, उठाने बोल रहा हूँ ना, चल उठाना। इसने ऐसा क्या कह दिया जो इस पर गुस्सा कर रहे हो? उसकी तरफदारी कर रहे हो? ये मेरी होने वाली पत्नी के बारे में कुछ भी बोलेगा मैं सुन लूंगा। क्या क्या कह रहा है तू,
और क्या, मेरी होने वाली पत्नी है वो। ऐसी बात करते तुझे शर्म नहीं आती? ज्यादा बोलेगा तो जुबान काट के रख दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, क्या करेगा मुझे? अरे उसे दिखाता हूँ, आगे से तू बोलने के लायक नहीं रहेगा। देखता हूँ तुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो सर? सर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? सर आराम से, आराम। अरे ये रास्ते ठीक से चला रहा हूँ। आराम से सर, आराम से पकड़ के बैठो। देखिए सर आराम से। हाँ ठीक है, बड़े आराम से सर। सर ठीक से तो चला रहा हूँ। हाँ चल रहे हैं सर आराम से। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। उठ जाओ, उठ जाओ आपसे उसको जाएंगे सर आराम से। सर कितनी चोट आ गई, बोला था आराम से चलाना। ये स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे छोड़ो इसको, चलो जल्दी चलो। सर सर रुको, रुको सर। ठहरिए सर, अरे मुझे रास्ता मालूम नहीं, मैं खो जाऊंगा, मैं किधर जाऊंगा। सर ठहरिए, अरे साथ में लेके चलिए सर। अरे जल्दी आओ। अरे मेरी चप्पल टूट गई सर, अरे मुझे भी साथ में लेके चलिए सर। ठहरिए ठहरिए सर, अरे सर सर ठहरिए। अरे सर सर क्या आप भी दौड़े हुए जा रहे हो? अरे ठहरिए सर। प्रिया तुम स्टेट में फर्स्ट आई हो, मद्रास से खबर आई है, मैं सच कह रहा हूँ। ए जल्दी से फोटो खींचो। ए आओ। हाँ बेटी सच में तुम फर्स्ट आई हो। पापा मैं स्टेट में फर्स्ट आई हूँ, आपका यही लक्ष्य था ना? लेकिन अभी आप मेरे सामने नहीं हो। माँ माँ मैं स्टेट में फर्स्ट आई हूँ। हाँ सर आया, घर का फोटो खींचो। हे प्यारे आप इधर आ जाइए। तेरी दीदी स्टेट में फर्स्ट आई है। माँ देवी माँ तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया। इधर से फोटो लो, इधर से। सर हाँ फोकस लेने दीजिए। हाँ ठीक, लो लो। प्रिया का चेहरा दिखना चाहिए। हाँ मनीराम तू भी इधर आना, यहाँ खड़ा हो जा। रहने दो दीदी। इधर देखिए कैमरे में स्माइल। क्या हुआ सर, आप लोग यहाँ पर? एक खून के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। तेरा नाम मणिराम है ना? सब सर सर इसको मारिए मत सर। इसने खून किया है, इसके साथ हम लाड़ प्यार करेंगे क्या? क्या हुआ है सर, आप बात तो बताइए सर। पहले बताया गया कि मारी मुत्तू को जंगली भालू ने मारा है, उसके बाद बोला गया कि काली ने मारा है, और अब पता चला है कि मारी मुत्तू को इसने ही मारा है। उसके खून का सारा सबूत हमारे पास है, उन्हीं और कोई नहीं, ये तेरा भाई ही है। नहीं दीदी, नहीं, नहीं, नहीं। दुष्ट पापी, तूने मेरे पति को मार डाला। दीदी मेरे चाचा जी को नहीं मारा। भगवान तुझे कभी नहीं माफ करेगा। मेरे चाचा जी को मारा और जमींदार ने मारने को बोला था। मैं आपको बचाने के लिए खाली का नाम ले रहा था। पढ़ी लिखी लड़की के साथ तेरी शादी नहीं हो पाएगी, इसीलिए तूने उसके बाप को मार डाला। मैं तुझे नहीं छोडूंगी, मैं तुझे जान से मार दूंगी। तुझे नहीं छोडूंगी। क्यों मारा, क्यों मारा तूने? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? क्यों मारा? नहीं छोडूंगी। छोड़ो इसको, पुलिस स्टेशन ले जाकर बताता हूँ। चल भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया। तेरा क्या बिगाड़ा था उसने? मैंने मारा। चल मैंने कुछ नहीं किया। ले चलो इसे, ले जाओ, सब मुझे छोड़ दो साहब। हे पापी तूने मुझे विधवा बना दिया। हे भगवान तमिलनाडु में 10वीं की परीक्षा हुई है, उसका परीक्षा फल आज अनाउंस होगा। परीक्षा फल के मुताबिक त्रिनल्ली गांव की प्रिया नाम की लड़की स्टेट में फर्स्ट आई है। सुनने में तो यह भी आया है परीक्षा के आखिरी दिन प्रिया के पिता की मौत हो गई थी, इस परिस्थिति में भी उसने परीक्षा दी और प्रथम आई है।
पिता की मौत के सदमे में भी जो उसने परीक्षा दी है, ये परीक्षा फल उसको सुकून देगा। मालिक, आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली। ए, क्या बक रहा है? ये सही कह रहे थे कि अपनी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। नमस्ते मैडम। इस लड़की के आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी सरकार उठाएगी। और उस लड़की के घर में जिन चीजों का अभाव है वो सब कुछ मुहैया करवाओ। मैं खुद उससे मिलकर अपने हाथों से उसे उपहार देना चाहती हूँ। उसके गांव जाने का सारा इंतजाम करवाओ। ठीक है मैडम, अभी करता हूँ। नमस्ते। सारा जमाना मिलकर एक चिंगारी को लाख छिपाने की कोशिश करे तो भी नहीं छिपा सकता, और चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगती। उसी तरह हमारी प्रिया जैसी अच्छी पढ़ने वाली लड़की को हमारी सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। ऐसी लड़कियों के लिए हमसे जो भी हो सकेगा, हम हर संभव कार्य के लिए तत्पर हैं।